रमो अरिहंताडम रमो सिद्धाडम रमो आयरियाडम रमो वज्जायाडम रमो लोये सविसाहुडम वंदितु सव सिद्धे धूमजलमणोवम गतिमपते बोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद के बिली भड़िदम। जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की विश्व वंदनीय महावीर भगवान की परम पूज गुरु देव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की महानुभाव, जगत में सबसे खोटा मिथ्यात कोई है तो वह पर का कर्तापन है। सारी विषय हट जाएं परंतु पर का कर्तापन नहीं हटता है, सबको छूट जाता है, बस पर का कर्तापन नहीं छूटता। मैं करता, मैंने किया, आप कौन करने वाले हैं? महावीर स्वामी के जीव को अकौवा बनना पड़ा, कितनी दुर्गतियों में गए, इसका कोई कारण था तो क्या? पर का कर्तापन की स्वयं का कर्तापन कौन कारण था? पर का कर्तापन या स्वयं का कर्ता मैं हूं, स्वयं का भोक्ता मैं हूं। विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बाल भी बांका कर सके आपका। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका बाल बांका कर सके। यदि तेरे अपघात नाम कर्म का उदय नहीं होगा, परघात नाम कर्म का उदय नहीं होगा, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सम्यक दृष्टि होना है तो इतनी ताकत लाइए जो जीव द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता को जानता है, जो जीव द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता को मानता है, उसे जगत में डर नाम की कोई वस्तु नहीं है, शाश्वत। उसे पता है जीव का तो मरण कभी होता ही नहीं है, नाश पर्याय का होगा, द्रव्य के द्रव्यपने का नाश कभी नहीं होगा। जगत के कल्याण का कर्ता तू है, निर्णय ऐसा लो कि सर्वज्ञ के ज्ञान से जगत का परिणमन नहीं होता है। जो जगत का परिणमन होता है वह सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता है। भगवान के ज्ञान में झलकता है तो परिणमन होता है, या जो परिणमन होता है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है? जो होता है वो झलकता है, वह त्रैकालिक झलकता है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन प्रभु के ज्ञान से मेरा परिणमन होता नहीं, प्रभु के ज्ञान से मेरा परिणमन होता नहीं। जो प्रभु के ज्ञान से अपना परिणमन मानता है वह प्रभु की वाणी को झूठा करता है। प्रभु ही ने तो कहा है क्या, कण कण स्वतंत्र है, सर्वज्ञ की वाणी में आया है, इसलिए कण कण स्वतंत्र है। सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि कण कण स्वतंत्र है, या कण कण स्वतंत्र है इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में आया है? वो तो पहले से था, है, था और रहेगा। कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है वो भगवान की वाणी में आया है, भगवान के ज्ञान में आया है। कण कण स्वतंत्र है इसलिए भगवान के ज्ञान में आया है। जगत में, ब्रह्मांड में, त्रिलोक में जो जो द्रव्य में हो रहा है वह केवली के ज्ञान में कैसा हो रहा है? हस्तमलकवत झलक रहा है। जगत में जितने द्रव्य हैं उनका विशद ज्ञाता जो है उसका नाम है केवली भगवान, जो सब कुछ जानता है।
और सबको जानता है। यह छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, केवली के ज्ञान से जगत का परिणमन होता नहीं, वह स्वाधीन है। सबका छयोसम एक सा नहीं होता है, वे यही समझते हैं कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा होता है, जबकि जैसा होता है वैसा भगवान कहते हैं। दोनों में अंतर समझना। क्या लोग क्या समझते हैं, भगवान ने जैसा कहा है वैसा होता है, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन होता क्या है, जबकि जैसा होता है वैसा भगवान कहते हैं। वस्तु व्यवस्था निश्चित है, बहु आरंभ परिग्रह करेगा तो नरक जाएगा। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, मायाचारी करेगा तो त्रिंच बनेगा, सम्यक का पालन करेगा तो देव बनेगा, मार्दव भाव रखेगा तो मनुष्य बनेगा। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, ऐसा अर्थ लगाना। निर्ग्रंथ मुनि बनकर निर्ग्रंथ बन के रहेगा तो निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्ग्रंथ मुनि बनकर निर्ग्रंथ बन के रहेगा तो निर्वाण को प्राप्त करेगा। रत्नत्र की दीक्षा लेकर परिग्रह जमा करेगा तो निगोज जाएगा। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, इसमें ना पुरुषार्थ की हानि है ना देव की हानि है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, नए प्रमाण के साथ सब कुछ चल रहा है। कौन करने वाला, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद वो अंदर उधर में चला गया, वो उधर में भोजन जाकर कौन वहां पर ऐसी शक्ति बैठी है, कौन वहां पर बैठा हुआ है जो उस भोजन को सप्त धातु में परिवर्तित कर रहा है कोई? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, हो रहा है। यहां भोजन किया और वो सात धातुओं में परिवर्तित हो गया, खून हड्डी मांस सब कुछ उसी से बन रहा है, मल मूत्र सब कुछ उसी से बन रहा है, वो सात धातुओं में। निमित्त कुछ भी लगा लो, हाँ निमित्त निमित्त व्यवस्था बस चल रहा है। इसको कोई ऐसी शक्ति नहीं है कोई मशीन लगी हो जिससे वो मशीन डिवाइड कर रही हो कि तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ। जैसे हम कर्म सिद्धांत बांधते हैं और हमने कर्म किया तो एक कोई भी कर्म हम जो कर रहे हैं वो सात भागों में डिवाइड हो रहा है प्रति समय। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, यहां पर भी आप बैठे हैं तो सात कर्मों में बंद हो रहा है प्रति समय, आयु कर्म को छोड़ के सात कर्म तो प्रति समय बंद रहे हैं। अब वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं, आप आए तो मंदिर हैं, मंदिर में आकर यहां पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में आकर आप यहां पर भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में आकर यहां स्वाध्याय सुन रहे हैं, मंदिर में आकर आप जाप कर रहे हैं, तो क्रिया तो धार्मिक की हो रही है, फिर सात कर्मों का बंद कैसे होगा? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी भेदनीय मोहिनी नाम गोत्र अंतराय सात कर्मों का बंद हो रहा है, तो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई भगवान नहीं है कि भगवान आपकी व्यवस्था बना के बैठा हो, जो अन्य मतांतर कहते हैं कि वो भगवान ने भाग्य लिख दिया हमारा, उनके पास इतना टाइम थोड़ी है। अगर भगवान है तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका भाग्य लिखने बैठे रहे कि तुमने ये किया अब तुमने वो कर दिया, तुमने एक चीटी मार दी, तुमने एक नमोकांत की माला फेर ली, अब तुम्हें पुण्य मिल गया, तुम्हें अब पाप मिल गया। नहीं, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। रागी कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता, जिसके परमाणु मात्र भी राग है वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान का अभाव होने से शुद्ध बुद्ध परमात्म स्वभाव को नहीं जानता। संपूर्ण आगम का ज्ञाता, संपूर्ण सिद्धांत सागर का अभ्यासी, ज्ञान पारगामी होने पर यदि आत्म तत्व का बोध नहीं है तो सिद्धि नहीं है। 11 अंग का ज्ञान कर लिया, इतना बड़ा ज्ञाता बन गया, लेकिन अंदर से राग बैठा हुआ है, भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा है, वो सारा का सारा ज्ञान बेकार है, व्यर्थ है।
संसार भ्रमण कराने वाला है। ठीक उसी प्रकार पंडित दौलत राम जी ने जो कहा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजावे, ये पंडित दौलत राम जी की वाक नहीं है, आगम का वाक है, उन्होंने तो लिया है, आधार लिया है। और किस अपेक्षा से लिया है, वरना तो मुनि बनने के बाद तो 32वें में मोक्ष हो ही जाता है, जो मुनि बन गया उसका तो 32वें में मोक्ष हो जाएगा। लेकिन कौन से मुनि का मोक्ष हो जाएगा, जो सम्य दृष्टि होगा, जो भव्य होगा, जो निकट भव्य होगा, निश्चित वो मोक्ष जाएगा। उत्कृष्ट तो 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा, मध्यम 7-8 भाव में चला जाएगा, और जघन्य 32 भाव में तो उसका मोक्ष हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो अभव्य है, अभी भव्य नहीं है, अभव्य है और अभव्य मुनि बन गया, मोक्ष नहीं जाना उसको, ये पक्का है। अभव्य का कभी मोक्ष नहीं होता है, ये सिद्धांत है। फिर मुनि बन जाएगा, मुनि बन के क्या कर लेगा, अपनी ख्याति फैलाएगा, लोग उसका नाम लें, लोग उसकी प्रशंसा करें, ऐसी भावना उसके अंदर चल रही है। मासोपवासी बन जाएगा, महीने महीने के उपवास कर लेगा और उसके निमित्त से सैकड़ों लोगों का कल्याण हो जाएगा, सैकड़ों लोग तर जाएंगे, सैकड़ों लोग दीक्षा ले लेंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो अभव्य वहीं बैठा रहेगा, और एक बार नहीं कई बार मुनि बन जाएगा, और कई बार मुनि बनने के बाद 9वें ग्रीवक तक जन्म भी ले लेगा, 16 स्वर के ऊपर 9वें ग्रीवक तक पहुंच जाएगा और वापस चतुर्गति भ्रमण शुरू, जो कदम चलता रहेगा। क्यों, भेद विज्ञान नहीं कर सकता, भेद विज्ञान नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता, आत्मबोध का बोध नहीं है तो सिद्धि नहीं है। स्वसंवेदन ज्ञान के बल से सहज शुद्धात्म तत्व को ना जानता हुआ जो रागादि आत्मा को जानता है, वह सम्यक दृष्टि कैसे होगा। जो जीव अजीव के स्वरूप को नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धा ही नहीं है। जीव अजीव आश्रव वंद संबर निजरा मोक्ष, 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। भगवान आपने कहा कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो फिर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती, तीर्थंकर कुमार, भरत, सगर, राम, पांडव आदि, ये सब सम्यक दृष्टि कैसे, ऐसा मत कहिए। क्यों, मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से 43 कर्म प्रकृतियों का अभाव सराग सम्यक दृष्टि के होने से उनके बंध का अभाव है। कैसे, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व जनित पाषाण रेखा के समान जो राग था, उस राग का तो यहां पर अभाव हुआ है। जो अनंतानुबंधी वाला राग था उसका अभाव हुआ है। जो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है उनके अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ जनित जो भूमि रेखा के समान राग था उसका अभाव हुआ है। ऐसा पूर्व में भी कहा है, लेकिन यहां तो पंचम गुणस्थान वर्ती से ऊपर गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीवों का ग्रहण करना है। सराग सम्यक दृष्टि की यहां गौण वृत्ति है। जब भी सम्यक दृष्टि का वर्णन करें तो सब जगह यही तात्पर्य लगाना। अध्यात्म शास्त्र में समय सार में जब भी सम्यक दृष्टि की व्याख्या हो तो वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना, अविनाभावी भूत सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना। या चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति आदि जो है उनको तो गौण वृत्ति में रखा है, उनकी गौण वृत्ति है। या मुख्य वृत्ति तो सप्तम गुणस्थान वृत्ति से शुरू करना है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक राग रहेगा तब तक बंद रहेगा, यह अन्य बंद की दृष्टि है, मिथ्या बंद की दृष्टि नहीं है। मिथ्या बंद का अभाव तो चतुर्गुणस्थान में हो चुका होता है, जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मिथ्यात् का तो पहले से उतना चाहिए, तभी तो अवरत सम्यक दृष्टि जीव बनेगा चतुर्गुणस्थान वर्ती। और दिगंबर स्वेतामाम आमनाओं में तत्व की जो भी व्याख्या होती है
उसका मूल श्री आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को ही होता है, कुंद कुंद स्वामी को ही जाता है। जो भी ग्रंथ लिखे गए वर्तमान में और लिखे जाएंगे उनमें कुंद कुंद स्वामी की ही छाया होगी, आधार लिया जाता है। आध्यात्म शास्त्र जितने भी लिखे जाते हैं, व्याख्या होती है, आधार कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ का ही लिया जाता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार की गाथा नंबर 203 में एक बात बताते हैं, तुम्हारा पद चैतन्य स्वरूप है। क्या कहते हैं? अदम्मी दब्य भावे अपदे मोतूण गिणतम थिर मेघ मिमम भावम उभलभंतम सहावीण। आत्मनि द्रव्य भावा नव पदानी मुक्त्वा ग्रहाण तथा नियतम स्थिर मेकमिमम भाव मुपलभ्यमानम। आत्मान आपदानी, आत्मा में पर निमित्त से हुए अपद रूप द्रव्य भावान मुक्ता, द्रव्य भाव रूप सभी भावों को छोड़कर नियत स्थिरम एक, मतलब निश्चित स्थिर एक स्वभाव, मतलब स्वभाव से ही उपलब्धमान इम, उपलब्धमान मतलब ग्रहण होने योग्य इम, मतलब इस प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भावम, मतलब चैतन्य चैतन्य मात्र भाव को हे भव तू क्या कर, तथा ग्रहणात जैसा है वैसा ग्रहण कर। वही अपना पद है। क्या बताना चाह रहे आचार्य भगवान यहां पर? आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में ध्रुव गायक स्वभावी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ये जीव अनादि से रागादिक को अच्छा जानकर उसको अपना स्वभाव मानकर उन्हीं में निश्चित है। संपूर्ण आगम का ज्ञाता होते हुए भी, ग्रंथों के कंठस्थ रहने पर भी, यदि पर द्रव्य में परमाणु मात्र भी राग भाव है तो पूरा द्रव्य श्रुत धाराशाही है। कुंद कुंद स्वामी ने प्रत्येक विषय को इतना स्पष्ट किया है तो फिर भी जीव भ्रमित हो जाए, यह स्व उपादान की विपरीत योग्यता ही है। हमारी योग्यता नहीं है, विपरीत उपादान की विपरीत योग्यता चल रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं और कहते हैं भगवान आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के वचन किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं है। लोग इस भूल में हैं कि स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, इसी से कल्याण होगा। यदि स्व के भाव से शून्य ग्रंथ पढ़ना है तो वह द्रव्य स्वाध्याय भी नहीं होता, वह द्रव्य स्वाध्याय भी नहीं होता है। स्व के भाव से जो श्रुत का कथन है वह द्रव्य स्वाध्याय है। स्वाध्याय अपने आप में एक परिभाषा कर रहा है, स्व प्लस अध्याय, जहां निज का अध्याय हो जाए, अध्ययन हो जाए, वो स्वाध्याय। और स्व में स्व की अनुभूति ही निश्चय भाव स्वाध्याय है। इसलिए इस भ्रम को निकालना चाहिए, अशुद्ध पदार्थ का परित्याग नहीं, अनिति अवक्ष का त्याग नहीं, पंच परमिष्टि में अनुराग नहीं, तो मात्र ग्रंथों को रटने से क्या? ग्रंथों को रट लिया, पूरी पूरी गाथाएं रट ली और पंच परमिष्टि से अनुराग नहीं है, द्वेष भाव है। अरहंत सिद्ध को तो मान रहा है, आचार्य उपाध्याय साधु को मान ही नहीं रहा, पंच परमिष्टि के प्रति अनुराग ही नहीं है, तो मात्र ग्रंथों को रटने से क्या? ग्रंथों को रटने को चिनागम में स्वाध्याय नहीं कहा, गाथा नंबर 201 और 202 में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि जीव में परमाणु मात्र भी राग है तो वह संपूर्ण आगम को जानते हुए भी आत्मा को नहीं जानता है। यही गाथा प्रवचन सार जी में भी कही गई है।
परमाणु पमाणंबा मुच्छा देहादिये सुजस पुणो विज्जदि जदि सो सिद्धिम णालहदि सव्वागम धरो वी। हे योगी, यदि परमाणु मात्र भी आपको शरीर आदि से, पर शरीर ही नहीं निज शरीर से भी ममत भाव है तो आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरे का शरीर तो छोड़ो, अपने शरीर से भी अगर राग है तो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण आगम को धारण करने के बाद भी द्रव्य सुरत को रट लेना, व्याख्यान की शैली भी सीख लेना, गुरु की विनय भी कर लेना, लेकिन जब तक निज चित्त में निज चित्त की शुद्धि का अभाव है तब तक भाव शुद्धि का भी अभाव है। स्वाध्याय के राग में स्वाध्याय मत खो देना, स्वाध्याय के राग में स्वाध्याय मत खो देना। वह ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहता था और ग्रंथ नहीं मिला तो नाराज हो गया, ग्रंथ नहीं मिला तो नाराज हो गया, वह स्वाध्याय के राग में स्वाध्याय खो बैठा, अपना आपा खो बैठा। उपदेश सुनने आया था, किसी ने कोई कार्य में लगा दिया तो तू उन पर गुस्सा करने लग गया, स्वाध्याय की राग में स्वाध्याय को खो दिया। स्वाध्याय की राग में कोई विषय करता है वह अस्वाध्याय ही है। मुझे ज्ञानी बनना है इसलिए अध्ययन करना है, अध्ययन की राग में ना कालाचार का ध्यान रखता है, ना द्रव्य अर्थाचार का ध्यान रखता है, ना काल शुद्धि ना भाव शुद्धि, भावपने से शून्य हो रहा है उसका। वह स्वाध्याय कर्म निर्जरा का नहीं अपितु कर्म बंद का कारण है। लाइट जल रही है, जीव मर रहे हैं, जीव मर रहे हैं, झुलस रहे हैं, छिपकलियां जीवों को खा रही हैं और कहे कि मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। अरे तूने अक्षर पढ़ने का नाम स्वाध्याय समझ रखा है क्या? अक्षर पढ़ने से ही स्वाध्याय होता है क्या? अहिंसा के पालनार्थ ही परिणामों की विशुद्धि थी। वह लाइट ना जलाकर माला फेरने लगा नमोकार की, यह भी स्वाध्याय है। वाचना प्रेक्षणा आमनाय धर्मोपदेश अनुप्रेक्षा, पांच प्रकार के स्वाध्याय हैं। ठीक है, उस दिन लाइट में ज्यादा कीड़े आ रहे थे, छिपकली पास में वहीं थी, अगर आप लाइट बंद कर देते जीव वगैरह नहीं आते, उतनी हिंसा से तो बच जाते। कोई बात नहीं, उस दिन माला फेर लेते। महामंत्र की माला फेरना जाप करना भी स्वाध्याय है, ओम की माला फेरना भी स्वाध्याय है। नागसेनाचार्य ने तत्वानुशासन ग्रंथ में महामंत्र की माला फेरने को भी स्वाध्याय कहा है, नागसेनाचार्य ने तत्वानुशासन ग्रंथ में। ओम की जाप भी स्वाध्याय है, अंतिम समय में ग्रंथ खोलने की सामर्थ्य नहीं बची तो स्वाध्याय करेंगे कि नहीं करेंगे? कि नहीं करेंगे? करेंगे। निज का ध्यान करो, यह भी स्वाध्याय है। वचन पूर्वक प्रवृत्ति स्वाध्याय है, वचन पूर्वक प्रतिक्रमण करना, वचन पूर्वक पाठ करना, वचन पूर्वक प्रत्याख्यान करना, वचन पूर्वक आराधना करना, भक्ति करना, ये सब स्वाध्याय है। साम्य परिणामों को स्थिर कर लेना, इसका नाम स्वाध्याय है। अपने स्वाध्याय, आप जिस समय माला कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रंथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वहां पर अगर माला भी कर रहे हैं तो वो भी स्वाध्याय है। इसका नाम साम्य परिणामों को रख लेना, ये भी स्वाध्याय है। कोई ने आपसे कुछ भी कह दिया, समता भाव, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपके साम्य परिणाम ही स्वाध्याय है। आप जिनवाणी पढ़ेंगे तो परमागम में भक्ति का मार्ग मिलेगा या साधना का मार्ग खुलेगा? भक्ति का मार्ग मिलेगा या साधना का मार्ग खुलेगा। इसके अलावा किस बात का व्याख्यान है? जो भक्ति आप कर रहे हो
वह आपका स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मैं व्याख्यान कर रहा हूँ वह द्रव्य स्वाध्याय है। ग्रंथ खोलकर पढ़ना द्रव्य स्वाध्याय है। जैसे ग्रंथ खोलकर पढ़ना स्वाध्याय है, वैसे ही अरहंत की भक्ति करना भी स्वाध्याय है। पंच परमेष्ठी की भक्ति से स्वाध्याय कैसे नहीं हो सकता? एक जीव ने स्वाध्याय का नियम लिया, उसको आगम ग्रंथ नहीं मिले, उसके पास में ताश के पत्ते थे, इसके ताश के पत्ते थे, उसने कहा कि स्वाध्याय तो करना ही है, तो वह पत्ते खोलकर बैठ गया। समझना, पत्ते खोलकर बैठ गया, पत्ते से ही स्वाध्याय करेंगे। उसके हाथ में सबसे पहले इक्का आया तो वह चिंतन करता है, इक्को करेदि कम्मम, इक्को हिंडदिया दीह संसारे, इक्को जायदि मर दिया तस्य फलम भुंज दे इक्को। बाणसाण उपेक्षा ग्रंथ में कहा है, इक्का कह रहा है आत्मा एकत्व विभक्त स्वभावी है, यह जीव अकेला जन्म लेता है और मरण अकेला ही करता है। मरण को प्राप्त अकेला ही होता है, अकेला ही संसार में भ्रमण को प्राप्त होता है। पुण्य का कर्ता एक है, पाप का कर्ता भी एक है, उनके फल का भोक्ता भी एक है। इसलिए पर द्रव्यों से भिन्न अद्वैत स्वभावी भगवान आत्मा एक है। इक्की में उसने एकत्व विभक्त स्वरूप देखा, अब उसने क्या देखा? दुक्का, दुक्का खोला, दुक्की बोलते ना, दुक्का खोला और चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। संसार भ्रमण के दो ही कारण है, कौन से? राग और द्वेष। जहां राग द्वेष है वही संसार है, जहां राग द्वेष से परे हो गए भीतराग अवस्था आ गई। राग द्वेष है तो संसार है, यह राग द्वेष की धारा ही संसार में रुला रही है। संसार से मुक्त होने के दो ही उपाय हैं, मुक्त होने के दो ही उपाय हैं, एक निज शुद्धात्मा निश्चय नय से और पंच परमेष्ठी व्यवहार नय से। निश्चय नय से निज शुद्धात्मा और व्यवहार नय से पंच परमेष्ठी। दो का त्याग करो और दो का आश्रय लो, राग द्वेष का त्याग करो और निश्चय व्यवहार पंच परमेष्ठी और निज आत्मा का आश्रय लो। उसने दुखी से स्वाध्याय कर लिया। सत्य यह है कि मैंने कभी ताश खेले नहीं है। तिक्की कह रही थी कि यदि इस त्रिभुवन से पार होना है, तीन लोक से निकलना है, तो रत्नत्रय धर्म को धारण करो, तभी तो तू संसार से बच पाएगा। उसने तिक्की का स्वाध्याय कर लिया। चौवा, चौका होता ना, चौवा कह रहा है कि क्रोध मान माया लोभ ये कसाई ही जीव को संसार में रुला रही है। यदि तू चार आराधना का आलंबन ले लेगा तो चार अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेगा। ये चौके का स्वाध्याय हो गया। पंजा आ गया, पंजा कह रहा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव ये पंच परावर्तन संसार है। इस संसार से यदि आपको मुक्त होना है, पंचम गति की प्राप्ति चाहिए, तो पंच परमेष्ठी की आराधना करो और पांच पापों से सुरक्षित रहो। पंची का स्वाध्याय हो गया। अब छक्का आ गया। छक्का कह रहा है, भैया तुझे मालूम होना चाहिए कि यह जीव पांच पाप और छठवां रात्रि भोजन उनके माध्यम से घोर पाप का आश्रय करके संसार भ्रमण करता है और मिथ्यात में डूब रहा है। इससे निकलने का मार्ग यदि कोई है तो छह द्रव्यों पर श्रद्धान, पांच इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना, तो तू कर्मातीत होकर के सिद्ध शिला को पाएगा। ये छठी का स्वाध्याय कर लिया।
अब आया सत्मी सत्ती। सात नरकों से बचना है तो सात तत्वों पर श्रद्धान करो, यही सम्यक है और यही भव तारक है। उसने तांस के पत्तों से स्वाध्याय कर लिया। अट्ठा कह रहा था कि संसार में जीव आठ कर्मों से युक्त होकर ऊपर नीचे घूम रहा है, पंच परावर्तन कर रहा है। श्रावक के अष्ट मूल गुणों को स्वीकार करके आचार्य के अष्ट विशेष गुणों की ओर लक्ष्य बना करके आठ कर्मों का नाश कर दे तो सिद्धों के आठ गुणों को प्राप्त करेगा, तब तू अनंत सुख को प्राप्त कर सकेगा। नहला कह रहा है नौ पदार्थ की आस्था ही भव पार कराने वाली है। नव देवता पर आस्था रखो और कुदेवों को छोड़ो। यदि देव आदिदेव बनना है तो नव देवों की आराधना करो। कौन से नव देव? अरहन सिद्धाचार उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय। दहला, दहला क्या कह रहा है? दस धर्म आत्मा के गुण हैं। आत्मा के दस धर्मों को प्राप्त करके तू संसार अतीत हो जाएगा। जब तक आत्मा में दस धर्म नहीं आएंगे तब तक तुम भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। भवातीत होना है तो दस धर्मों का आलंबन ले लो। अब आ गया गुलाम। तो गुलाम कह रहा है कि अज्ञानी जीव असंयम का पालन करता हुआ कर्मों का गुलाम बना हुआ है। असंयम का पालन कर रहा है इसलिए कर्मों का गुलाम बना हुआ है। यदि तू श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन कर लेगा तो संसार की गुलामी से दूर हो जाएगा। इस प्रकार उसने तांस के 11 पत्ते गुलाम से स्वाध्याय कर लिया। बेगम, सारा जगत बेगम की राग में बेगम हो रहा है। सारा जगत बेगम के राग में बेगम हो रहा है। यदि तू 12 व्रतों का पालन कर ले और दुनिया की बेगमों को छोड़ एकमात्र निज आत्म रमणी में लीन हो जाए तो 12वें गुणस्थान को प्राप्त करके शीघ्र ही तू बादशाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादशाह बन जाएगा और 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाएगा और 3 लोक का बादशाह बन जाएगा 13वें गुणस्थान प्रवेश करके। तेरी दृष्टि पवित्र है तो वस्तु का कण कण स्वाध्याय कराता है। दृष्टि हमारी अच्छी है तो सृष्टि का कण कण हमें स्वाध्याय कराता है। तेरी दृष्टि पवित्र नहीं है तो भैया सटखंडागम धवला समयसार प्रवचन सार सब कुछ पढ़ लेगा लेकिन तेरा स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। देखो भैया तांस के 13 पत्तों ने स्वाध्याय करवा दिया। यदि पवित्र दृष्टि है तो 13 पत्ते भी स्वाध्याय करवा देते हैं। यदि दृष्टि पवित्र नहीं है तो तू आगम पढ़ते हुए भी कहीं व्यापार करके श्री के राग में जिनवाणी को बेच देता है। श्री के राग में जिनवाणी को बेच देता है। शस्त्र जीवी और शास्त्र जीवी इनका कभी कल्याण नहीं होगा। क्या बोले? शस्त्र जीवी और शास्त्र जीवी जो शास्त्र से अपना जीवन यापन करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होगा। जो अस्त्र शस्त्र और शास्त्र बेचकर पेट भरे इनका कभी कल्याण नहीं होता भैया। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रंथों में जहां पर मूल्य लिखा रहता है ना तो मूल्य में न्यौछावर राशि लिखी रहती है, न्यौछावर राशि। और यहां पर मूल्य लिखा रहता है सदुपयोग, सदुपयोग ये मूल्य लिखा रहता है। इसको बेचा नहीं जाता, इसको भेंट किया जाता है, चढ़ाया जाता है, ये भेंट दी जाती है। जिनवाणी बेची नहीं जाती है। निज आत्म स्वाध्याय के लिए ना दीप जलाने की आवश्यकता है ना शास्त्र खोलने की आवश्यकता है। निज में ही निज का स्वाध्याय है। इसलिए गाथा नंबर 201 कह रही है, हे ज्ञान मूढ़ो भो ज्ञान मद पाई, ज्ञान के मद को पी करके अभिमान में मत डूब जाना,
मेरा शास्त्र ज्ञान निर्वाण करेगा। शास्त्र ज्ञान से निर्वाण नहीं होता, स्वानुभूति की अनुभूति से ही निर्वाण होता है। आजकल लोग इसी में मस्त हैं, उनने दिन में चार बार स्वाध्याय कर लिया, चार बार सुना दिया, मुख कंडुक मतलब मुंह की खाज मिटा ली, कंडुक मतलब खाज, मुंह की खाज मिटा ली। जिसको दूसरे को प्रवचन दिए बिना चैन ना पड़े, जिसको एक दूसरे को बताए बिना चैन ना पड़े, वह मुख कंडुक, वह मुख कंडुक, उसकी मुख में खुजली हो गई है, सो बेचारा मुख की खुजली खुजा रहा है। आत्मा को नहीं जानता हूं, अनात्मा को भी नहीं जानता हूं। जो आत्मा को ना जाने वह तो अज्ञानी है ही, परंतु जो अनात्मा को नहीं जानता वह भी अज्ञानी है। आत्मा को वही जान पाएगा जो अनात्मा को जानता है, अनात्मा को वही जान पाएगा जो आत्मा को जानता है। जो तक एक को नहीं जानेगा, जब तक एक को नहीं जानेगा तब तक समझेगा कैसे कि ये आत्मा है कि अनात्मा है? जानना जरूरी है। जब आत्मा अनात्मा को नहीं जानता है, जीव अजीव को नहीं जानता है, बस सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? कपड़े उतार लो, लेकिन आत्मा अनात्मा को जाने बिना जगत की पोथियों का ज्ञान मोक्ष का पथ नहीं है। बस एक को जान लिया तो सबको जान लिया, ऐसा दृष्टांत मिलता है, हुआ नहीं होगा, दृष्टांत मिलता है प्रवचन आदि में। एक बार वर्धमान को पढ़ाने के लिए एक गुरुजी आए, अध्यापक जी आए, तो पढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने बुलाया था, तो पढ़ाया, तो गुरुजी ने बोले बोलो एक, तो वर्धमान ने कह दिया एक, बोले बोलो एक, तो वर्धमान ने कह दिया एक, बोले बा बच्चा बहुत होशियार है, इसको तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो एक बार में सीख रहा है, ये तो एक बार में सीख जाएगा। बड़ा सोच में पड़ गया। अध्यापक कहता है ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो महावीर वर्धमान बोले दो, तो महावीर कहते हैं एक, बोले एक हो गया, एक हो गया, अब दो बोले दो, तो महावीर कहते हैं एक। ये क्या हो रहा है? मैं तो सुन रहा था बच्चा बहुत होशियार है, ये तो जल्दी सीख जाएगा, ये हो क्या रहा है? ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले एक आपने सीख लिया है, अब आगे बढ़ो दो, तो वर्धमान कहते हैं एक। अब तो परेशान हो गया, और परेशान होकर पहुंच गया सिद्धार्थ के पास, मैं नहीं पढ़ा सकता आपके बच्चे को, बोले वो हड्डीबादी है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, जब मैंने एक सिखा दिया है, मैं बोल रहा हूं दो बोलो दो, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। सिद्धार्थ ने बुलाया, वर्धमान क्या हुआ, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अध्यापक जी ने एक पढ़ा दिया ना, अब आगे बढ़ो दो बोलो दो, तो वर्धमान कहते हैं एक। बोले एक के आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो वर्धमान कहते हैं पिताजी जे एक के जानम ते सबे जानम, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया, दो के जानने की जरूरत ही नहीं है। एक को जानना, आत्मा को जान लिया सबको जान लिया, फिर किसी की बात की जरूरत ही नहीं है। इन एकांती स्वाध्यायी ने कुंद कुंद स्वामी को ऐसे देखा कि स्वाध्याय कुछ और है, लेकिन वस्तु व्यवस्था ये है, ये स्वाध्याय है, यह परम तप है, ग्रंथ पढ़ना मात्र नहीं, आत्मतत्व को समझ करके आत्मतत्व की उपाधि समझना और अनात्म तत्व की हेयता को समझना और दोनों को समझ करके मध्यस्थ हो जाना, इसका नाम स्वाध्याय है। खींचातानी नहीं है आत्मतत्व को भी गे जानना, निज आत्मतत्व को ही उपाधि भूत जानना, अनात्म तत्वों को गे भूत जानो पर अनात्म भूत को भी गे भूत जानो, पर को भी जानो स्यात् कथंचित, निज आत्म तत्व को ही उपादे भूत जानो स्यात्। अब स्यात् क्यों लगा दिया?
यह समय सार तो ऐसा है। मट्ठा से मक्खन निकालते देखा, मथानी से मट्ठा से क्या निकलता है? मक्खन। मथानी को भांजने के बाद हाथ को भी भांजना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। ऐसे ही समयसार ऐसा मट्ठा है कि जितनी बार हाथ घुमाओ उतनी बार गोपिका का हाथ चिकना होता है। वैसे ही समयसार से तत्व की गहराई चिकनाई मिलती है। यह परम तत्व है, यह परम सत्य है। इसलिए इस भ्रम को निकाल देना कि मात्र ग्रंथ पढ़ना ही स्वाध्याय है। निज का स्वाध्याय भी परम स्वाध्याय है। स्वाध्याय के विषय में आगे और जानेंगे। आज इतना जाना, इतना समझें, जीवन में समझने का प्रयास करें और आगे विषय शेष कल जानेंगे। आज का समय आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।